तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने एक पार्सल, और ये पार्सल आप देख रहे हैं तो इसमें कोई भी थर्माकोल वगैरह यूज़ नहीं की गई है। कट्टे के बैग में डाल करके और इसको भेज दिया गया है। और बाकी कंडीशन पैकिंग तो खैर ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, पर चूंकि ये आया कुरियर से है तो कैसेट वैसे कोई टूटी नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसको, ये एक डब्बा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो कोई भी थर्माकोल की पैकिंग वगैरह यूज़ नहीं की गई है। फिलहाल देख लेते हैं कैसेटें कौन कौन सी मिली हैं हमें। तो इन सबको मैं निकाल लेता हूँ बाहर और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कैसेट्स ये हमें मिली हैं। तो ये है हमारे पास, सबसे पहले एक एल्बम है, ये कभी तो नज़र मिलाओ, आशा भोसले जी और अदनान सामी की। और कंडीशन वैसे सब कैसेटों की ठीक है, ऐसे कोई बुरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद है अभिजीत सावंत, फिर है एक ये बिरला सुपर हिट्स बिरला सीमेंट, और इसमें मिक्स मूवीज़ के गाने हैं। ये शायद बिरला सीमेंट के साथ फ्री उरी मिलती होगी या पता नहीं। फिर है दम मारो दम, और इसमें मिक्स गाने हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे, दम मारो दम। एक है ये पुरानी श्रद्धांजलि नूतन की याद में। तो कंडीशन तो खैर सभी कैसेट की अच्छी है, बाकी इनको प्ले करके देखेंगे। फिर है एक ये पॉप एल्बम मैक्सी पॉप, इसमें शायद पॉप गाने होंगे। और उसके बाद है परदेसिया 2, तो इसमें हिंदी गाने हैं जो कि रिमिक्स में है। उसी तरीके से ये है फ्लैशबैक, तो इसमें भी पुराने गाने ही हैं लेकिन रिमिक्स में। फिर कांटा लगा, ये भी रिमिक्स वाले गाने हैं पुराने। और इसी तरीके से ये भी एक और है मेरे नसीब में रिमिक्स, इसमें भी सब पुराने गाने हैं और ये सब रिमिक्स में हैं। ये है हमारे पास नाउ इट्स 93, तो इसमें 93 के गाने हैं, इन मूवीज़ के गाने हैं इसमें। और कंडीशन जैसा कि आप देख रहे हैं कंडीशन बहुत अच्छी है। नाउ इट्स 93, तो 93 वाली मूवीज़ के गाने इसके अंदर हैं। और उसके बाद फिर मिलती है ये अब्बा 17 साल के, तो ये है बिल्कुल सील पैक और अच्छी कंडीशन में। फिर ये है बॉलीवुड ट्रैक्स वॉल्यूम 1, तो इसमें गाने हैं मतलब बॉलीवुड के गाने हैं, काफ़ी हिटेड गाने हैं इसके अंदर, बॉलीवुड ट्रैक्स वॉल्यूम 1। और फिर लास्ट में मिलती है बॉलीवुड 95, तो इसमें 95 ईयर के गाने होंगे, ये सब मिक्स गाने हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसेटें सब अच्छे से रिसीव हो गई हैं, कोई भी कैसेट टूटी नहीं है, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट से नहीं आई हैं, ये आई हैं कुरियर से। तो कुरियर वालों ने थोड़ा सा प्यार से हैंडल किया है इसको, जिसकी वजह से सब कैसेटें सही सलामत हमें मिल गई हैं। बाकी अगर ये इंडिया पोस्ट से आई होती तब तो खैर इनका टूटना पक्का ही था। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।